सर्विस ऑटोमेशन की जिस फंक्शनैलिटी की अब हम बात करने लगे हैं वो कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की है आपने अपने कस्टमर के साथ जितनी बेहतर कम्युनिकेशन की उतनी ही जल्दी कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को आप अचीव कर सकेंगे सर्विसेस के अंदर कम्युनिकेशन का ठीक होना कम्युनिकेशन का प्रॉपर होना बहुत अहम है तो सर्विस ऑटोमेशन की फंक्शनैलिटी जो ये कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की है यह बहुत ही अहमियत की हामिल है सो इट एम्स टू इंप्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन डिलीवरी स्टोरेज रिट्रीवल ऑफ आउटबाउंड एंड इंटर कम्युनिकेशन विद योर कस्टमर सो दी सी एम कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एप्लीकेशन एनेबल कस्टमर इंटरक्शन वो मेक श्योर करती दैट यू इंटरैक्ट विथ य कस्टमर थ्रू अ वाइड रेंज ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम एंड दैट कुड बी योर वेब दैट कुड बी योर चैट दैट कूड बी योर मैसेजर दैट कुड बी योर एप्लीकेशन दैट कुड बी योर ई मेल और एनी अदर थिंग इवन द सेल्फ सर्विस एस्पेक्ट इज विल सो द कोर एलिमेंट्स ऑफ सी सी एम एप्लीकेशन आर अ डिजाइन टूल अ कॉम्पोजिशन इंजन अ वर्क फ्लो मल्टी चैनल डिलीवरी एंड रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज ऑब्जेक्टिव सीसीएम का क्या है अगर आप ये देखते हैं तो बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव फंक्शनैलिटी है तो पहली लाइन के अंदर इसकी ऑब्जेक्टिविटी को क्लियर किया गया कि इसको ये व्हाट इज इट एम ऑब्जेक्टिव ये है कि आप क्रिएट कर सके डिलीवर कर सके स्टोर कर सके रिट्रीव कर सके अपनी कस्टमर कम्युनिकेशन को वाइल यूजिंग मल्टी चैनल

आपकी टीम ने उसको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड किया सो दिस वॉज द मैसेज फ्रॉम द कस्टमर द बैटरी चार्ज और माई स्मार्टस्ट फोर जी इज टू बैड आई हैव टू रीचार्ज इट एवरी आवर सम हेल्प मी दिस वॉज द इंक्वायरी रेज बाय हिम एंड देन अल्टीमेटली एज योर एजेंट विल गेट बैक टू इट इट वॉज ऑन द ट्विटर द एजेंट कैन इमीजिएटली रिप्लाई टू इट इट कैन बी असाइन टू एनी वन

तो दोनों ही कस्टमर को दे देते हैं सो कस्टमर सर्विस इज एन अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर द कंपनीज एंड दर्गेनाइजेशन बिकॉज इट ट्रांसफर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज टू सर्विस टू द कस्टमर बिकॉज कस्टमर सेल्फ सर्विस कर रहा है सो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और कॉस्ट भी द कस्टमर विल पे तो कस्टमर हु सेल्फ सर्व आर मच लेस लाइकली टू प्लेस डिमांड्स ऑन कॉन्टेक्ट सेंटर और कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क और विदीड सर्विस स्टाफ विच मींस दे आर गोइंग टू मैनेज दे आर गोइंग टू टैकल दर्विस एस्पेक्ट एट देयर ओन तो कस्टमर्स आर टिपिकली मोर कॉम्पिटेंट एट सेल्फ सर्विसिंग वेन ट्रांजेक्शन आर इन्वॉल्व फॉर एग्जाम्पल इट इज रिलेटेड टू दी ऑनलाइन बैंकिंग आप देखेंगे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली कस्टमर्स ऑनलाइन बैंकिंग में यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ दे प्रेफर टू विजिट अ बैंक दे डू द ट्रांजेक्शन ऑनलाइन इसी तरीके से ऑनलाइन बाइंग ऑनलाइन रिटेलिंग आप देखेंगे कस्टमर विदेज ऑफ टाइम इज गेटिंग टूवर्ड दिस ऑनलाइन थिंग मोर एंड देन मूविंग फ्रॉम दिस ब्रिक एंड मोटर सिस्टम हाउएवर दे आर लेस कॉन्फिडेंट वेन प्रॉब्लम रिजोल्यूशन इज कंसर्न अगर तो इशू रिजोल्व नहीं हुआ तो वहां पर देर इज अ चैलेंज तो ऑब्जेक्टिव ये है इस सेल्फ सर्विस का कि यू गिव द कस्टमर द अपॉर्चुनिटी सो दैट कस्टमर कैन गो इन टू अ ट्रांजेक्शन कस्टमर रियल टाइम के अंदर so मौजूद हो और अपने प्रॉब्लम को सोल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सके और सोल्यूशन को आगे सॉल्व कर सके लेकिन अगर कस्टमर स्टक हो गया तो अल्टीमेटली हमें उसे फैसिलिटेट करना है तो सेल्फ सर्विस की जो फंक्शनैलिटी है ये बहुत अहम है सर्विस ऑटोमेशन के हवाले से अब कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कस्टमर सेल्फ सर्विस के लिए यूज होती है सो so, जो सबसे पहली टेक्नोलॉजी है वो वेब सेल्फ सर्विस है कस्टमर कैन विजिट आपके वेबसाइट के ऊपर एंड टू द ट्रांजेक्शन ऑनलाइन टू द कंप्लेन ऑनलाइन डू द रेजोलूशन ऑनलाइन एंड देन आई वी आर इंटरक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स एंड देन कुड बी थ्रू सम क्योस्क आपने कहीं कोई कॉस्ट लगाए हैं दैट कुड बी यूज एंड देन सेल्फ चेकआउट नॉर्मली आप देखेंगे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं

टू द मोबाइल वुड बी द वन के जहां पर कस्टमर अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकेगा तो सेल्फ सर्विस इज वन ऑफ द की फंक्शनैलिटीज ऑफ सर्विस ऑटोमेशन